जी जी मेरे जी मैं बना रही हूँ आलू के परोठे। तो ये है मेरे पास आलू, बॉयल आलू, बॉयल करके माश किए थे मैंने। तो ये इसमें डाल रही हूँ जी मिर्च। आलू मैं आपको बता दूँ, आलू मैंने माश किए थे, आलू का छील के फिर काट के उसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पीस काट के उबाल लिया, बॉयल कर लिया। मिर्च मैंने इसे इसमें धनिया डाला, कुंडी में धनिया डाला, हरा धनिया, तो उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ, 2 डाली हरी मिर्चें और आधा टीस्पून डाला मैंने लाल मिर्च पाउडर। तो आपके पास अनारदाना है तो अनारदाना भी इसमें डाल लें, चटनी के अंदर जो चटनी बनाई थी तो वो इस आलू में वो डालूंगी। इतने अच्छे पराठे बने थे, मैंने कल भी इसके पराठे बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी, इतने अच्छे क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार पराठे बने थे। अब इसके पराठे बनाऊंगी आज, फिर जो चटनी इसमें और डालूंगी, 1 चम्मच और डाल दिया। तो चटनी जो जो मिर्च बनाई थी वो इसमें 4 जबे लहसुन के भी डाले थे मैंने। जो मिर्च है ना वो भी बहुत टेस्टी है। तो फिर आलूओं में बटर और दूध हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना सॉफ्ट आलू है। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इसमें और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अब ये अपना एक पेड़ा लेंगे, अंदर आलू डालूंगी, जितना चाहें आलू डालने, जितना करारा है आलू का टेस्ट, बहुत करारा है, बहुत अच्छा टेस्ट, करारा टेस्ट है इसका। अब ये तवा हमारा गरम हो गया, बिस्मिल्लाह तवे पे डाल दूंगी। सब पलट के तो इसके ऊपर ऑयल, दोनों तरफ तेल लगाऊंगी। इसमें आलू है ना तो फूल रहा है, दरमियान में से पूरा फूल जाता है। अच्छा लग रहा है ना, कितना क्रिस्पी है। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बन गया। अब इसे उतार लूंगी, इसके ऊपर अब थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। कितना मजे का पराठा है ना, जो आलू इस तरह माश की है ना, तो उस आलू में जो मैंने मिर्ची डाली है वो मिर्च के साथ बहुत अच्छा बनता है।
ऑयल काफ़ी लगा दिया है, ऑयल में ये क्रिस्पी होगा। ये देखें कितना अच्छे परोठे आलू वाले बनाए। इसी तरह एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।